हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और मैं आपको मिनी मॉक टेस्ट 53 प्रोवाइड कर चुका था। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ और इस मिनी मॉक टेस्ट में फिर से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ। और ये जो 10 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके दिमाग में जा सकते हैं या पूछे गए हैं। पहले सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सबके सब PYQ ही हैं। क्वेश्चन तो चलिए आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं और जो 10 क्वेश्चन इस पार्ट में लेकर आए हैं उनकी तरफ देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसे बनाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, लिखा हुआ है किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जो घन का आयतन है यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि घन की भुजा 12 है, साइड आपको 12 दी है, तो उसका प्रस्थ किस दर से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है घन का आयतन, देखिए घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी घन का आयतन हमें दिया है T/dt इक्वल टू, और जबकि हमें पता है कि घन का आयतन होता है वी बराबर क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 3a² 3a/dt आ जाए। तो dv/dt की वैल्यू आपको 8 दी गई, 1/3 ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और dA/dt आप यहाँ से निकाल सकते, तो dA/dt आ जाएगा आपका 8 × 3 × 144। और आपसे पूछा गया है कि उसका जो पृष्ठ है, तो पृष्ठ होता है उसका यानी कि s, वो होता है 6a², ये किस दर से बढ़ रहा है। तो ds/dt इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 a dA/dt। अब हम यहाँ पे 12 को यही रखते हैं, एक ही जगह आप 12 लिख सकते हैं, 12 दी गई, और dA/dt की वैल्यू दी गई है, dA/dt अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया और ये मैंने क्या कर दिया t/dt लिखा है, यही तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा अपॉन में नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है ना, एक मिनट, तो आ जाएगा 3 × 12 यानी कि 144, ये डिवाइड होगा इसमें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8/3 × 144, ये हम लोग यहाँ रख देंगे, और ये आ जाएगा 8/3 × 144, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/3 cm² प्रति सेकंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 8/3 cm² प्रति सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि फंक्शन एक है जिसमें मैपिंग है fx से x³+3 में, आपको f−1x की वैल्यू बतानी है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है f−1x। देखिए कैसे करेंगे, f−1x कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है fx = x³+3, ठीक है, हमें f−1x चाहिए। तो जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, मैंने कई बार आपको बताया, आप fx की जगह x रख दीजिए और x की जगह रख दीजिए y। अब यहाँ से y निकाल लीजिए, ये आ जाएगा x−3, तो y की जो वैल्यू होगी वही आपका f−1 है, यानी कि f−1x। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा f−1x, यानी कि x−3 होल पावर 1/3, दैट इज आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 e^x dx, इसका मान बताना है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है,
देख सकते हैं आप, चार ऑप्शन हैं, कौन सा आंसर इसका राइट है ये बताना है। 2010 में पूछा गया इंडिया में, ठीक है, एयरफोर्स में भी आ चुका है ये, लिखा है 1/(1+e) की पावर है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लॉग नहीं लिख सकते हैं कि सीधे लॉग 1+e की पावर एक्स, क्योंकि ऐसा हम तब कर सकते थे जब इसका डिफरेंशिएट ऊपर होता। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है वही ऊपर बना लीजिए, e की पावर एक्स जोड़ लीजिए और e की पावर एक्स घटा लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 1 - e की पावर x / 1+e की पावर x dx। इंटीग्रेट करेंगे, 1 का हो जाएगा x माइनस, इसका डिफरेंशिएट सीधे ऊपर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा log ब्रैकेट में 1+e की पावर x + c। तो x माइनस log 1+e की पावर x + c इसका राइट आंसर है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, d2y dx2 = e की पावर x। d2y dx2 आपको कितना लिखा मिल रहा है, e की पावर x। हमें बताना है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है d2y dx2 = e की पावर x, ठीक है ना। हम एक बार इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बचेगा dy/dx, और e की पावर x का e की पावर x होता है और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम c1 कहते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो y मिल पाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ की e की पावर x रहेगा, c1 का हो जाएगा c1x और प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा c2। y = e की पावर x + c1x + c2, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सदिश √2i + j + k और y अक्ष के बीच बने कोण की कोज्या यानी कि cos थीटा, कोज्या का मतलब होता है cos, हमें cos बताना, जबकि स्पर्शज्या जो होता है वो होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे cos थीटा बताना है। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा मिल रहा है कि √2i वेक्टर है प्लस, आप कैप भी लगा सकते हैं वेक्टर भी लगा सकते हैं, प्लस जे प्लस के, इस तरीके से, ठीक है ना। और वाई एच, देखिए वाई एच कहने का मतलब है वाई एच के अनुदिश जो सदिश होता है वो आपका होता है कौन, जे। या हम कह सकते हैं कि जे कैप के बीच का एंगल कितना है। तो देखिए हमें पता है कि एंगल निकालने के लिए हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b = (mod of vector a, mod of vector b cos थीटा) दोनों का डॉट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि इसका बाकी सबके साथ डॉट 0 हो जाएगा, j के साथ 1 होगा। इसका निकालेंगे तो √2 2+1+1 = 4, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर होगा 2+1+1 तो हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये केवल 1 है तो अंडर रूट के अंदर 1 ही आएगा, इनटू में 1 आ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, cos थीटा 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि यदि E और F परस्पर अपवर्जी घटना है, मतलब E और F जो हैं वो कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी, जिनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। और PE का मान दिया है, P यूनियन F दिया है 3/5, और PF का मान दिया है X, कह रहा है X का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर E और F दोनों अपवर्जी हैं तो आप याद रखिएगा कि P यूनियन F वैल्यू हो जाएगी PE + PF, क्यों हो जाएगी, क्योंकि P इंटरसेक्शन F यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो P इंटरसेक्शन F = होता है PE × PF, लेकिन जब घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो ये आपका 0 हो जाता है, इसीलिए ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। तो P यूनियन F आपको 3/5 दिया है, ठीक है ना, और PE की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 1/2, और PF आपको X दिया है,
आप इसको इधर माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, तो 1/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 1/10 यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1/10 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक वृत्त को निरूपित करेगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कोई भी सर्कल जो है मतलब कोई भी समीकरण वृत्त को तभी डिनोट करता है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉफिशियंट होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशियंट बराबर हैं तो वो सदैव एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। समीकरण देखिए लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का हम क्या कर लेते हैं के से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर ले आते हैं। जब इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपका ए माइनस के, तो जब इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो हमें मिल जाएगा 1+k इस तरीके, ठीक है ना। और ये इधर ले आए अगर हम तो प्लस का 2kx मिल जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये ए की जगह कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ए से तो मान ही नहीं निकल पाएगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होंगे, अगर इन्हें बराबर करते हैं तो ये जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो a माइनस के इज इक्वल टू 1+k, k को हम उधर ले जाएंगे तो 2k आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 1। अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगी a माइनस 1/2। अब यहाँ पे हमें ये a नहीं पता है और यहाँ पे पक्का a नहीं होगा, या तो a की जगह 9 लिखा होगा, अगर यहाँ 9 होगा तो 9 माइनस 1 8/2 4, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए मैं यहाँ पर एक ही जगह 9 कर दे रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में पक्का एक ही जगह कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, वो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 1, मैं इसकी जगह 9 लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 9 माइनस 1/2 यानी कि 4 आ जाएगा, एक का मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे छुपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की 2, -3 से गुजरने वाले और वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यदि कोई लाइन ए कॉमा बी से जाती है तो एक्स एच के समांतर रेखा का समीकरण वाई बराबर बी होता है और वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए होता है, ठीक है ना। तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है 2, -3 से और आपसे पूछा जा रहा है वाई एच के समांतर। तो वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए होगा अगर ए कॉमा बी से पास हो रही है, तो ए की जगह यहाँ पर 2 दिया है, समीकरण आ जाएगा एक्स बराबर 2। वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए और एक्स की जगह यहाँ पे एक्स हो गया, ए की जगह 2 है, तो एक्स बराबर 2 इसका सीधा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। आपसे कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल 0 क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मान पूछा गया है आपसे साइन स्क्वायर थीटा का। आप यहाँ पे थीटा की जगह कोई ऐसा मान रख दीजिए जिससे कि ये 1 हो जाए, जिससे कि ये मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करिए आप क्या रख सकते हैं, सोचिए। अगर हम थीटा की जगह 90 रख दें, कितना रख दें, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दें, साइन 91 कॉस 90 0, क्वेश्चन सेटिस्फाई। यही क्वेश्चन सेटिस्फाई करने के लिए हम ये वैल्यू रख दें, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए एक कोई मैट्रिक्स है जो 3x2 की है और जो बी है वो 2x2 2x3 कोटि का अवयव है, तो ए बी किसके बराबर होगा जहां पे के एक अदिश है। अदिश मतलब है कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए हमें वैल्यू बतानी है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। पहली चीज तो ए जो मैट्रिक्स है वो 2x3 की, सॉरी 3x2 की है, तो जो मैट्रिक्स है वो 3x2, और जो बी मैट्रिक्स है वो 2x3 की है। आपसे कहा गया है कि के ए बी समान क्या होगा। पहले तो ए बी निकालिए आप, पहले ए बी निकालिए। अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो मुझे पता है कि पहले का सी दूसरे के आर के जब बराबर होगा तभी निकल पाएगा, और ये दोनों बराबर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई के बाद वो 3x3 की होगी। अब ये 3x3 की है, अगर मैं इसका अकॉर्डिंग टू द रूल ये होता है कि अगर के ए लिखा हुआ है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, जहाँ पे एन इसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे के ए भी लिखा है जहाँ पे ऑर्डर इसका 3 3 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ के का क्यूब और ए बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, के का क्यूब ए बी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था आज का 10, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। नहीं तो पार्ट जो 54 था इसमें हम लोगों ने जो आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए कैसे लगे कमेंट्स में बिल्कुल बताइए आप, क्योंकि तो आपके जो कमेंट्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ ले ही रहे हैं, साथ साथ आप अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पर हमारी क्लासेस जो है, तो नेवी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आया हुआ है उसके लिए भी शुरू हो चुकी हैं। मॉर्निंग में 7 AM to 8 AM, 8 AM to 10 AM, सॉरी 8 AM to 9 AM, इसके बाद रात में 7 से 8 भी है, 8 से 9 भी है। 3 4 4 5 क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर उन पर पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी 3 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस पेड हैं। जो भी क्लासेस आप पढ़ना चाहें, आप पेड पढ़ना चाहें पेड पढ़ सकते हैं, स्पेशल पढ़ना चाहें स्पेशल पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं आकर अनअकैडमी पर हमारे साथ, तो वहाँ पर आपको कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई फीचर्स मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए सबसे पहला फीचर मिलता है रेज हैंड का, इसके जब ये आपको मैं जब क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ कोई पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं, डायरेक्टली आप हमसे वहाँ पर रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं, टॉक कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली। देखिए लिखा भी हुआ है, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, टॉक विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा है, अब डायरेक्टली बात करेंगे हमसे, अपने डाउट्स को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए एक अच्छा फीचर है हमारे पास, डाउट पूछने का, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, जिसके जरिए आप अपने डाउट्स को हमारे पास भेज सकते हैं। अपने डाउट्स आप फोटो से मोबाइल से फोटो खींच कर डायरेक्टली हमारे पास तक भेज पाएंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप तुरंत फोटो खींचिए, आप मेरे पास भेज दीजिए, उस क्लास में उसी क्लास में उस डाउट को आपके सामने डिस्कस कर लिया जाएगा। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और क्योंकि डाउट्स सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दिमाग में डाउट्स रहेंगे तब तक कुछ समझ, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में ये पेंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग अपने पार्ट 55। थैंक यू।